Howdy people, as you all know, myself Varsha Chandrakar, first professional MBBS student from SIMS Bilaspur. तो मैंने अपने first attempt में बहुत सारी mistakes की थी और वही आज मैं discuss करने आई हूँ. समझदार बेटा वो नहीं होता है जो अपनी गलतियों से सीखे. अगर तुम अपनी ही गलतियाँ करने सीख लगोगे और उससे ही सीखते रहोगे ना, तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी. तो इसलिए समझदार वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे. तो मैं यहाँ पे अपनी कुछ मिस्टेक बताने आई हूँ, जिसको अगर आप नहीं करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मतलब 100% बढ़ेंगे. क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होते हैं जो हम कॉमनली रिपीट करते रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. जो सबसे फर्स्ट टू मेजर मिस्टेक होती है जो कोई भी इंसान करता है, वो सबसे पहले मिस्टेक है, वो है फ़ोन. बेटा अगर फ़ोन छोड़ दोगे ना, और उसके बाद मतलब जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और इधर उधर जो तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हो ना, अगर तुम उसको हटा दोगे ना, तो मैं डैम श्योर बोल रही हूँ कि तुम्हारा मार्क्स बढ़ेगा. तुम क्योंकि अगर वो हटा दोगे तो सिर्फ वो काम करोगे जो ज़रूरी है. अब तुम बोलोगे कि हमें कोचिंग जाना होता है, यहाँ करना होता है, वो करना होता है, तो फ़ोन की ज़रूरत है, तो फ़ोन की ज़रूरत नहीं है. एक छोटा सा कीपैड फ़ोन रखो. मैंने खुद ने एक कीपैड फ़ोन रखा था और मैं जो भी काम होता था वो लैपटॉप से करती थी. क्योंकि लैपटॉप को हम जब खोलते हैं, फिर हम जब बंद करते हैं, तो उसमें ना काफ़ी एनर्जी लगती है. और वो होता है ना, ऐसे जो फर्स्ट स्टेप होता है और जो स्टार्टिंग फेज़ होता है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो इसलिए जो स्टार्टिंग फेज़ होता है लैपटॉप में, वो हार्ड होता है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते. हम अगर उसको खोलते हैं तो हम उसको डेफिनेटली ऐसे यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए ही. और फ़ोन का क्या है ना, तुम बार बार खोलते हो. मैंने भी फ़ोन पहले रखा हुआ था और पहले मैं उसमें टाइमर लगाती थी, फिर कुछ कुछ और करती थी, फिर एक URR करके एक ऐप होता है, वो डाउनलोड किया था. उससे बहुत कुछ करने का ट्राई किया कि हाँ, ऐसे फ़ोन का आदत छूटे, बट नहीं छूटता था. तो इसलिए सबसे बेस्ट यही है कि फ़ोन ही छोड़ लो. और हाँ, सेक्रीफाइस ना मांगता है ये एग्जाम. 21 लाख बच्चों में अगर तुम्हें कुछ ऐसे 0.01% में आना है ना, तो ठीक है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और वो जरूरी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने डिस्कस कर रहे हैं मिस्टेक दैट आई मेड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, जिसमें से पहला मिस्टेक हो गया था फोन. एंड सेकेंड, रिलेशनशिप. बेटा ये बाबू सोना छोड़ दो यार. मेरे बाबू ने थाना थाया क्या, ये मतलब लिटरली वो तुम्हें कहीं पे कोई कहीं जगह नहीं पहुंचाने वाला है, ना तो तुम्हें कुछ हेल्प करने वाला है. इसके बाद हम, ये सबसे मेजर दो मिस्टेक होता है, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, तब जाके तुम्हें आगे जाके हेल्प करेगा और तब जाके तुम उसमें अपना नंबर बढ़ा सकते हो फाइनल एग्जाम में. ठीक है, इसके अलावा जो बाकी के मिस्टेक थे उसको मैंने लिख कर रखा था. एंड ओके, हम डिस्कस करते हैं. तो मिस्टेक जो थे, उसका जो फर्स्ट मिस्टेक है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख रही थी. मैंने प्रॉपरली मिस्टेक लिखा है, मिस्टेक के बाजू मैंने सॉल्यूशन भी लिख के रखा था. क्योंकि मैं जब फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम देकर आई थी, तो मैंने गीतेन सर का लेक्चर देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि अपने मिस्टेक लिख कर रखो और उसको हर दिन देखना. जब तुम उसको हर दिन देखोगे, हर दिन उसको याद करोगे ना, और तुम्हें याद आएगा कि हाँ, तुमने ये सारी गलतियाँ की है, क्या तुम उसको रिपीट तो नहीं कर रहे. अगर तुम रिपीट कर रहे हो ना, तो जो रिजल्ट तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में मिला है, वही रिजल्ट तुम्हें सेकेंड अटेम्प्ट में भी मिलेगा. फिर देखते रहना क्या देखना है. ठीक है, तो मैं ऐसे ये सारे मिस्टेक को मैंने लिख कर रखा था. एंड लिटरली मैंने अपनी दीवार पे चिपका के रखा हुआ था और मैं उसको हर दिन देखती थी. और मुझे याद भी आता था कि हाँ, मैंने अगर मिस्टेक ली है तो साथ में मैंने उसका सॉल्यूशन भी लिख कर रखा है. तो सबसे पहला मिस्टेक यही था कि मैं सिर्फ लेक्चर देख रही थी, मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था. तो उसके लिए सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि मैं 5 आवर लेक्चर देखूंगी, जो कि शेड्यूल रहेगा. उसके बाद सेकेंड मिस्टेक हुआ था कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी. मैं एक दिन पढ़ रही थी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ रही थी, जिस दिन पढ़ रही थी उस दिन 12 घंटे लेती थी, जिस दिन नहीं पढ़ती थी उसमें कुछ नहीं पढ़ती थी. तो मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं मेंटेन करूं कंसिस्टेंसी और मैं हर दिन ऐसे डॉक्टर लॉग बनाऊं. मैंने एक अपनी बुक रखी हुई थी जिसका नाम था डॉक्टर लॉग, और मैं उसको हर दिन फिल भी करती थी कि आज मैंने ये काम किया है. एंड मैं प्रॉपर उसमें लिखती भी थी कि मैंने इस दिन इस समय मेरा जो है ये टाइम वेस्ट हुआ है. और मैं ये भी लिखती थी कि आज से मैं आगे से ये वाला टाइम वेस्टेक नहीं करूंगी. फिर थर्ड मिस्टेक मैंने किया था कि मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था लोगों पे और मैंने बहुत सारे न्यू फ्रेंड्स बना लिए थे. क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मेरे को लगता था कि हाँ, जो भी इंसान मेरे से बात कर रहा है वो मेरा हेल्प ही करना चाहता है. लेकिन बाद में मुझे पता चला था कि नहीं, कोई दोस्त नहीं होता नीट के लिए टाइम पे ना, कोई दोस्त नहीं होता. तो नो सोशलिज्म टिल नीट. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नो टेलीग्राम. सिर्फ टेलीग्राम में, उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने यूज़ किया था तो सिर्फ पेपर डाउनलोड करने के लिए किया था. उसके पहले वरना ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा था. फिर फोर्थ मिस्टेक ये था कि मेरे अंदर एकदम जीरो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया था. माइंड ऐसे बार बार फ्लक्चुएट करता था, लगता था हर दिन यही फीलिंग आता था कि यार नहीं हो रहा है, कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, क्या क्या करूँ, कैसे करूँ. तो
मैंने इसमें हर दिन एफर्मेशन बोलना स्टार्ट किया कि हाँ आई कैन क्रैक। मेरा ड्रीम कॉलेज मैम्सी था तो मैं वही लिख कर रखी थी इसमें कि आई कैन क्रैक मैम्सी। फिर फिफ्थ मैंने किया था जो मिस्टेक, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो इसमें भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि टाइम मैनेजमेंट जो है मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो उसके बाद मैंने ऐसे लिख दिया था कि हाँ इसके सॉल्यूशन में मैं ऐसे शेड्यूल जो बनाऊँगी वो फॉलो करूँगी। इसके बाद है कि 3 आवर सिटिंग नहीं थी मेरी बिल्कुल भी, और ब्रेन रिकवरी बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। OMR मिस्टेक हो गया था एग्ज़ाम के दिन पे। तो मैंने इसके लिए सोच लिया था कि अब से, जब से मतलब एग्ज़ाम में ऐसे 3-4 महीने बचे रहेंगे, तब से मैं मॉक टेस्ट देना एकदम रेगुलरली स्टार्ट करूँगी। एंड थैंक्स टू आकाश ऑल्सो, उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए थे और मैंने सारे मॉक टेस्ट को एकदम सीरियसली किया था। फिर मिस्टेक का ओवर अटेम्प्ट, भाई ये वाला मिस्टेक तो ना बिल्कुल मत करना। हमें लगता है कि आंसर यही है बट वो आंसर नहीं होता जब तक। तो मैंने इसके बाद मैंने डिसाइड कर लेती कि ठीक है चलो विल सॉल्व 200 पेपर वो तो ठीक है, लेकिन मैंने डिसाइड किया जब तक मैं किसी क्वेश्चन में 800% श्योर नहीं हूँ ना तब तक मैं उस क्वेश्चन को टिक नहीं करूँगी वहाँ पे। तो ओवर अटेम्प्ट वाला चीज मत करना। और ये मैंने ये लिख कर रखा है हाईलाइट करके, क्योंकि मेरे को वो हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मेरा 40 मार्क्स नेगेटिव गया था सिर्फ क्योंकि मैंने तुक्का लगाया था, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिया था। फिर उसके बाद है कि शेड्यूल ओवर एक्साइटेड एंड ओवर कॉन्फिडेंट। मैं बहुत बार ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जाती थी, मुझे बार बार ऐसे थोड़ा मतलब मेरा फिजिक्स का ऐसे 4 क्वेश्चन बना नहीं कि मुझे लगता था कि हाँ मेरा तो होने वाला है, मेरा पूरा 720 में 720 आ जाएगा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी फटाफट। तो वो एकदम गलत बात है, इसलिए मैंने रियलिस्टिक प्लान शेड्यूल बनाना स्टार्ट किया अपने सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे। फिर है कि मैं कोई एनालिसिस नहीं करती थी, मैंने कोई मिस्टेक बुक नहीं बनाई थी, और अभी तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ही बना के रखा है जो मैं पिन कर दूंगी यहाँ पे, आप उसको देख सकते हो। तो मैं उसमें मैंने बताया है कि कैसे मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसके ऊपर मैंने लिखा था कि गलतियाँ ही सिखाती हैं, और वो मेरे लिए बहुत काम आया था। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम के 3 घंटे में पेपर दे रहे होते हो ना तो आपको वो नहीं याद आता है जो आपने लास्ट के 1 हफ्ते में पढ़ा है, आपको वो याद आता है कि आपने साल भर में क्या किया है, आपने कौन से टेस्ट में कहाँ पे क्या मिस्टेक की थी, आपको वो वहाँ पे याद आता है। इसलिए बोलते हैं कि आखिरी का जो 1 महीना है वो बहुत क्रूशियल है, उसमें प्रॉपर हर दिन टेस्ट दो, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करो। फिर मेरे को न्यूमेरिकल से डर लगता था तो उसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं हर दिन 300 क्वेश्चन करूँगी, और उसका भी ऐसे डिवाइडेड था कि 150 क्वेश्चन बायो के एंड बचे जो 50 है उसमें 25 फिजिक्स के 25 केमिस्ट्री के। ऑल्दो वैसा मतलब ठीक है वो शुरुआत में था, एंड फिर उसके बाद मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया था 100 100 100 पूरा PCB करके। फिर उसके बाद मैंने 2 महीने रिसोर्सेज कर लिया था, हाँ मैंने आकाश का मॉड्यूल, एलन का मॉड्यूल, ये सब बहुत सारा काम किया था। तो उसके बाद मैंने कन्फाइन कर दिया कि फिजिक्स के 1 टीचर हैं, केमिस्ट्री के 1 टीचर हैं, बायो के 1 टीचर हैं, उन्हीं 1-1 टीचर को फॉलो करना है और उन्हीं 1-1 टीचर से पढ़ने का है। उसके बाद मैंने कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन बहुत हुआ था मेरे लाइफ में, मतलब मैं बहुत कंपेयर करती थी कि यार मेरा इतना नंबर आ रहा है, उसका तो इतना आ रहा है ना, तू तो ज़्यादा हो जाएगी। फिर चाहे स्कूल के दोस्तों, कोचिंग के दोस्तों, ऑनलाइन मिले हुए दोस्तों जिसको तुम जानते भी नहीं हो, मैं उसको उसके साथ भी कंपेयर किया करती थी, एंड वो भी एकदम गंदा तरीके से कंपेयर किया करती थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फंस चुकी थी कंपेरिजन में और डिस्ट्रैक्शन में। तो इसके बाद मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए ऐसे अलॉटेड टाइम निकाल लिया, और कंपैरिजन तो हाँ मतलब मैं सेकेंड अटेम्प्ट में करना भूल गई थी, मैं बस ये देख रही थी कि अपने आप को इम्प्रूव करना है। और डिस्ट्रैक्शन के लिए मैंने फिक्स्ड अलॉटेड टाइम निकाला था, इसका मतलब ये है कि जब मैं पढ़ रही होती थी पढ़ते वक्त मुझे लगता था कि हाँ मेरे को ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर कुछ भी चीज़, तो मैं एक वाइट पेपर रखती थी, उसमें मैं ऐसे बुलेट पॉइंट में ना नोट किया करती थी कि हाँ मेरा ये जो 3 घंटे का सीटिंग है, 3 घंटे का सीटिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैंने को ये डिस्ट्रैक्शन को देखना है। तो मतलब ठीक है डिस्ट्रैक्शन के लिए भी एक टाइम निकाल दिया था। इसके बाद मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत ज़्यादा करती थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, बस चीज़ों को ऐसे टालने का मेरा आदत हो गया था, बट मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में इस चीज़ को याद रख लिया था कि बेटा भगवान जो है ना वो वक्त ही है, वक्त ही भगवान है, और तुम अगर वक्त की कदर नहीं करोगे ना तो वो भी तुम्हारी कदर नहीं करेगा, वो एक बार चले गया तो चलेगा, एक एक सेकेंड मैटर करता है। इसलिए मैं टाइम को बहुत वैल्यू करने लगी थी, और मतलब हाँ मैं उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने सही में ऐसे बिल्कुल भी ऐसा कोई टाइम नहीं होगा जिसको मैंने वेस्ट किया होगा, जो मुझे लगा होगा कि हाँ ये वेस्ट हुआ है करके। जितना ज़्यादा हो सकता था मैं इन्वॉल्व ही रहती थी, पूरे 24 आवर्स मेरे दिमाग में चीज़ें चलती ही रहती थी। मेरी मम्मी बोलती है कि मैं सो भी रही होती थी ना तो अगर जो सोते वक्त ऐसे बड़बड़ाते नहीं है कुछ, तो वैसे अगर मैं मतलब कुछ निकलता भी था ना तो वो पढ़ाई से रिलेटेड निकलता था, इसका यार ये वाला फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, इसका वैसा हो रहा है, उसका वैसा हो रहा है करके। मतलब पूरा इन्वॉल्व थी मैं, 24 आवर इन्वॉल्व थी
चीजों को लेके। फिर मेरे फर्स्ट ईयर में ये दिक्कत हुआ था कि मेरा कोई डाउट क्लियर करने वाला नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था। तो यहाँ पे मैं एक टीचर का नाम लेना चाहूंगी कि मैंने इसमें ये टी ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और डाउटनेट तो ठीक है, अलग चीज है। मैं इसमें टीचर का नाम लेना चाहूंगी इसमें, कि एक JR करके एक टीचर है भिलाई के, एंड वो ऐसे गाइडेंस प्रोग्राम अभी स्टार्ट किए हुए हैं। तो आप ऐसे विजिट कर सकते हो। मैं उनका नंबर यहाँ पे, नंबर नहीं, मैं उनका ID यहाँ पे और Gmail ID उसमें अभी दिखा दूंगी यहाँ पे आई लिंक पे, और डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल रहेगा। आप उनमें से उनको जाके गाइडेंस के बारे में पूछ सकते हो। वो मिनिमम फीस पे बहुत परफेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और जो एक बच्चे को चाहिए होता है ना, वो प्रॉपर वो प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फिजिक्स वाला या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, तो फिर आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे, बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन गारंटीड हो जाएगा। एंड उनका प्रोग्राम इसी चीज़ पे बेस्ड है कि वो जो सिलेक्शन है वो गारंटीड, मतलब वो जो गारंटी वर्ड है ना, वो उस चीज़ का यूज़ करते हैं। उनका कहना यह है कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं एंड प्रॉपर फॉलो करते हैं, उनकी टेस्ट सही तरीके से देते हैं, तो फिर सिलेक्शन गारंटीड है बींग अ छत्तीसगढ़ डोमिसाइल्ड स्टूडेंट। उसके बाद आता है नॉन रिलीजियस टाइम बाउंड प्रैक्टिस। मैंने किया था एकदम, मतलब कुछ भी कर रही थी, एंड उसके बाद मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ये याद रख लिया था कि इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। एंड एवरी डे मैं 2 to 5 प्रैक्टिस करती थी कंपलसरी। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस मतलब ये है कि तुम्हें नहीं जानना है, जो नहीं आता है एग्जाम में वो नहीं जानना है, वो होता भी होगा तो भी नहीं जानना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता आया था कि जो हम रिसेप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन आया था कि मैकेनिकल रिसेप्टर एंड प्रेशर के लिए रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं। तो प्रेशर के लिए पैसिनियन रिसेप्टर होता है, पैसिनियन कॉर्पसल, एंड वो मतलब नहीं दिया हुआ है NCERT में। तो वही मैं इसमें ये बोलना चाह रही हूँ कि इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब है NCERT ही भगवान है, NCERT ही तुम्हारी जननी है, NCERT ही सब कुछ है, जो करना है NCERT के थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने मिस्टेक किया था कि नो डू और डाई सिचुएशन और बैकअप प्लान बना ली, मतलब मेरे को लग रहा था कि ठीक है ये नहीं भी हुआ तो, मतलब एक तरीके से अंदर में था कि हाँ, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी निकला तो मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगी और सेकेंड अटेम्प्ट मुझे मिलेगा, तो वो भी एक बहुत अजीब सा होता है। तो इसलिए इसके बाद ऐसा था कि हाँ, कोई बी प्लान नहीं है, डॉक्टर ही बनना है और इसी में बनना है, तो ज़्यादा कोई सेकेंड थॉट मेरे दिमाग में आता नहीं था। फिर मैं एक बार इसमें पूछी भी थी अपने दोस्तों को कि तुम्हारे पास है क्या कोई सेकंड प्लान, या फिर तुम क्या सोचते हो वाला, बट बहुत सारे लोगों के पास में था, बस मैं एक मेरे पास ही नहीं था। तो मुझे उस चीज़ का बुरा भी लगता था कि मेरे पास ही क्यों सेकंड प्लान नहीं है यार, सबके पास तो सेकंड प्लान है, सब लोग तो ऐसे प्लान करके रखे हैं, मेरे को ही क्यों कुछ नहीं पता है कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। तो हाँ, मतलब मेरे लिए सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसे पूरा डू और डाई वाला सिचुएशन बन गया था, मुझे करना था तो करना था, ऐसा है। फिर उसके बाद मैंने जो मिस्टेक की थी वो है सिली मिस्टेक, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुआ था एग्जाम में। एकदम छोटी छोटी चीज़ें जैसे यूनिट या फिर टू टू इंटू टू इज इक्वल टू 5 लिख कर आना, ऐसी वाली बहुत सारी सिली मिस्टेक हुई थी। तो मैंने उसमें ये स्टार्ट किया था कि मैं डेली बुक रीड कर रही थी, और मैंने मेमोरी गेम्स खेलना स्टार्ट किया था, ऐसे एकदम नहीं कि हाँ एकदम हर दिन कर ही रहे हैं और इसके लिए स्पेसिफिकली टाइम निकाल रहे हैं, मतलब वो था कि ठीक है अगर मैं कभी फ्री होती हूँ तो मैं ये करूँगी। तो उसके थ्रू मैंने ना सुडोकोस खेलना स्टार्ट किया, और सुडोको मेरा आज भी सबसे फेवरेट गेम हो गया है। मतलब मैं सिम्स में बैठे बैठे क्लास में जब मुझे बोर लगता है तो मैं सुडोको खेलती हूँ, मैं एकदम एडिक्टेड हो गई हूँ सुडोको के लिए। और साथ में मैंने एक डाउट बुक बनाया था जिसको मैं प्रॉपर ऐसे रखती थी। फिर उसके बाद है 18th मिस्टेक कि मेरा कोई रूटीन नहीं था। तो उसके बाद मैंने अपने सेकेंड अटेम्प्ट के टाइम पे एकदम शेड्यूल तो फिक्स नहीं होता ऑब्वियसली कि तुम सुबह उठोगे 10 मिनट में ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं था, बट हाँ ये डिसाइडेड था कि इस समय सोना है, इस समय उठना है। और वो भी ऐसा नहीं कि एकदम शुरुआत से डिसाइडेड था, एग्जाम से 3 महीने पहले मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रॉपर इस समय सोऊंगी और इस समय उठूंगी करके। और वो मतलब डिसाइडेड था कि मैं 3 से 4 बजे के बीच में सोऊंगी और सुबह में ऐसे 10 से 11 बजे के बीच में उठूंगी, तो वो डिसाइडेड हो चुका था। फिर लास्ट मिस्टेक है इम्प्रॉपर रिविजन स्ट्रेटेजी, जिसको मैंने ठीक किया था 5 टाइम रिविजन विद 72 आवर, विद इन 72 आवर। ओके, सो दिस वॉज ऑल माई मिस्टेक दैट आई हैव कमिटेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट। आप इन सब से सीखना, और मेरा बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट है एंड बहुत प्लीजली रिक्वेस्ट मैं करती हूँ कि प्लीज़ आप इन सभी मिस्टेक को रिपीट मत करना, इन सभी मिस्टेक से सीखना और अपने अटेम्प्ट में अपना ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना, एटलीस्ट वो देना जिससे तुम अपने आप को फेस कर सको। क्योंकि लाइफ में जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, और जब तुम 60 और 70 ईयर्स में चले जाओगे, और तुम्हारे लाइफ में अगर एक काश रह गया ना, तो ट्रस्ट में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे।
इसलिए देना है तो पूरा जी जान लगा के दो, नहीं देना है तो छोड़ दो, बीच में मत अटकाओ, क्योंकि सिर्फ ना तुम नहीं बीच में अटका रहे हो, दिक्कत ये हो जाती है कि तुम अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, सब कुछ को बीच में अटका रहे हो। इससे बेटर ना कि तुम कुछ अच्छा कर लो, क्योंकि तुम अपना 20s, जो सबसे सुंदर एक लाइफ का मोमेंट होता है, जो सबसे सुंदर एक लाइफ का ईयर होता है, तुम उसको एक एग्जाम के प्रिपरेशन में लगा रहे हो। तो ऐसा प्रिपेयर करो ना कि रिजल्ट आए। इसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगी, ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, आई होप आपका ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करो। आपकी भी कुछ गलतियां हुई होंगी, मैं इसके साथ में बस एक ही चीज गाइड करना चाहूंगी कि प्लीज अपने मिस्टेक को अपने दीवार के सामने में लगा के रखना और एक एक मिस्टेक से बदला लेना, क्योंकि वो जो मिस्टेक है ना।